अग्निवीर सैनिकों के मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जनवरी में एक लैंड माइन ब्लास्ट में अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर सैनिक अजय कुमार के परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं मिली। राहुल गांधी के आरोपों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जवाब दिया कि अग्निवीर के परिवार को सेना की तरफ से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया गया है। राहुल गांधी ने इसके बाद एक और वीडियो जारी करते हुए सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। इसके बाद 3 जुलाई को सेना की तरफ से बकायदा एक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को कुल 1,65,00,000 रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे, जिनमें से 98,39,000 रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। तो सेना के रेगुलर और अग्निवीर सैनिकों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, कितना मुआवजा मिलता है, दोनों में क्या फर्क है, कौन सी सुविधाएं सिर्फ रेगुलर सैनिकों को मिलती हैं, समझते हैं इस एक्सप्लेनर वीडियो में। पहले रेगुलर सैनिकों की बात करते हैं। नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले रेगुलर सैनिकों को ए से लेकर ई तक कुल 5 कैटेगरी में रखा गया है, जबकि अग्निवीर सैनिकों को एक्स वाई और जेड कैटेगरी में रखा गया है। नियमित सैनिक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में प्रतिमाह 5,000 रुपए का योगदान करते हैं, जो उन्हें 50,00,000 रुपए का बीमा देता है। दूसरी तरफ अग्निवीरों का बीमा भी 48,00,000 रुपए का होता है, लेकिन वे इस इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमा राशि का भुगतान सभी सैनिकों और अग्निवीरों को दिया जाता है, चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी रहा हो। आर्मी ने तमाम बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया है, जहां अग्निवीरों सहित सभी रक्षा कर्मियों का वेतन रक्षा वेतन पैकेज के तहत जमा किया जाता है। बैंक भी इन कर्मचारियों का अलग अलग बीमा करते हैं। यदि किसी अग्निवीर सैनिक की सेवा के दौरान या किसी ऑपरेशन में जान चली जाती है तो उसके लिए अनुग्रह राशि के रूप में 44,00,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। दूसरी तरफ रेगुलर सैनिकों को कैजुअलिटी की गंभीरता के आधार पर 25,00,000 रुपए, 35,00,000 रुपए या 45,00,000 रुपए अनुग्रह राशि दी जाती है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि अगर किसी रेगुलर सैनिक या अग्निवीर सैनिक की मौत सैन्य सेवा के कारण नहीं होती है तो इस केस में वे किसी भी अनुग्रह राशि के पात्र नहीं होते हैं। अब अगर राज्यों की बात करें तो कई राज्य देश में जान गंवाने वाले या घायल सैनिकों को अनुग्रह राशि देते हैं। यह 1 करोड़ रुपए तक होती है और अग्निवीरों और नियमित सैनिकों दोनों पर लागू होती है। इसके अलावा अग्निवीरों और नियमित सैनिकों को ऑपरेशन के दौरान मृत्यु होने पर 8,00,000 रुपए और किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 2,50,000 रुपए दिए जाते हैं। अग्निवीरों के लिए सेवा निधि स्कीम भी है। यह एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है और रेगुलर सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिलता। अगर किसी अग्निवीर सैनिक का निधन जो सैन्य सेवा के कारण ना हुई हो तो मृत्यु की तारीख तक जमा की गई राशि सरकार की योगदान और ब्याज के साथ मिलती है। इसी तरह अगर किसी अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सेवानिधि सहित अगले 4 साल तक की अवधि का पूरा वेतन मिलता है। इंश्योरेंस, सेवानिधि, अनुग्रह राशि जैसी चीजों के अलावा तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो रेगुलर सैनिकों को ही मिलती है, जैसे ग्रेजुएटी और मासिक पारिवारिक पेंशन। रेगुलर सैनिकों को अधिकतम 25,00,000 रुपए की ग्रेजुएटी मिलती है। हाल ही में महंगाई भत्ता 50% पार कर गया तो ग्रेजुएटी की रकम 20,00,000 से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए कर दी गई। इसके अलावा जिन सैनिकों की साधारण मृत्यु होती है उनके परिवारों को साधारण पारिवारिक पेंशन मिलती है। शुरुआती 10 साल तक आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है और उसके बाद 30% पेंशन मिलती है। अगर किसी सैनिक का निधन सैन्य सेवा के कारण होता है तो इस केस में विशेष पारिवारिक पेंशन लागू होती है, जो सैनिक के अंतिम वेतन का 60% होता है। इसी तरह ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के परिवार को एक उदारीकृत पारिवारिक पेंशन मिलता है, जो अंतिम वेतन का 100% है। यह पेंशन टैक्स फ्री है। अब यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि इन पेंशनों को वन रैंक वन पेंशन स्कीम और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समय समय पर संशोधन होता रहता है। पेंशन में DA भी जोड़ा जाता है। अब आइए जानते हैं रेगुलर सैनिकों के बच्चों को क्या मिलता है।
अगर कोई सैनिक ऑपरेशन में शहीद हो जाता है तो बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलता है। यह भत्ता स्कूल कॉलेज की फीस और किताबों की लागत के बराबर होता है और स्नातक होने तक मिलता है। भत्ते में परिवहन, हॉस्टल और ड्रेस जैसी चीजों की लागत भी शामिल है। बैटल कैजुअलिटी के अलावा रेगुलर सैनिकों के बच्चों को कक्षा एक से लेकर प्रोफेशनल कोर्स के लिए 10,000 रुपए प्रति माह से लेकर 50,000 रुपए प्रति वर्ष तक की शैक्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। ऐसे सैनिकों की पत्नियां भी स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 20,000 से 50,000 रुपए की हकदार हैं। रेगुलर सैनिकों के परिवार को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का लाभ भी मिलता है। यह CGHS जैसी स्कीम है और सैनिक के परिवार वाले इस योजना के जरिए हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपने द खबरदार न्यूज को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।